हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इट्स अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों बाद कोई वीडियो बना रही हूँ। अभी बहुत पीक वेडिंग सीजन चल रहा था और हम लोग बहुत सारी डेस्टिनेशन वेडिंग्स ऑर्गेनाइज करके आए हैं, और मैंने ये नोटिस किया कि हमने बहुत सारी डेस्टिनेशंस के बारे में डिस्कस करा हुआ है, बट वी हैव नॉट डिस्कस जयपुर एज अ वेडिंग डेस्टिनेशन। अभी मैंने उसका कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं करा है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है, और बहुत लोग का ड्रीम होता है कि कोई पैलेस या फोर्ट में वेडिंग ऑर्गेनाइज करना। तो आज हम बात करेंगे डेस्टिनेशन वेडिंग इन जयपुर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल द रिजॉर्ट्स, होटल, वेन्यूज विच आर सिचुएटेड इन कुकर्स रोड जयपुर, जो कि आपका दिल्ली जयपुर हाईवे है और इट्स अराउंड 25 to 30 किलोमीटर्स फ्रॉम मेन सिटी जयपुर, जयपुर एयरपोर्ट से इतना ही है ये। एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर दोज हु आर लिविंग इन दिल्ली NCR और वो जयपुर में वेडिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। कुछ आपकी मेन रोड पे हैं, कुछ थोड़ा सा ऑफ वे जाके हैं, बट दे आर वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज। दे आर सराउंडेड बाय माउंटेन्स, बहुत अच्छा आपको बैकग्राउंड एक सीन मिलता है वहाँ पे। देर आर प्रॉपर्टीज हु आर वंस यूज टू बी अ पैलेस और फोर्ट एंड दे आर नाउ कन्वर्टेड टू रिजॉर्ट्स एंड होटल्स टू ऑर्गेनाइज अ ड्रीम वेडिंग। तो ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोहागढ़ फोर्ट से। ये एक बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है, इसमें 65 रूम्स हैं। वी कैन अकोमोडेट अप टू 200 गेस्ट हेयर, और इसमें फिर आप बैंक्वेट्स भी कई सारे हैं, 2 से 3 बैंक्वेट हैं, लॉन है इनका, ये आपका ये डोम वाला जो प्लेस है यहाँ पे भी बहुत अच्छे से आप कर सकते हो वेडिंग सेरेमनी। वी कैन अकोमोडेट अप टू 400 गेस्ट इन देयर बैंक्वेट्स, छोटे बड़े बैंक्वेट्स हैं उनके, बड़े बैंक्वेट में 400 तक गेस्ट हो सकते हैं। ये आप एंट्री देख रहे हो लोहागढ़ फोर्ट में, यहाँ से आपकी बारात प्रोसेशन आएगा। तो वो जब आप ऐसे फोर्ट में वेडिंग करोगे तो आपका अपने आप ही एक रॉयल फील आएगा। ये पूल साइड है उनका, पूल साइड पे भी हम हल्दी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये कृष्णा आंगन है जो कि आपका एक बिगेस्ट लॉन है इनका वेडिंग के लिए, और जल मंडप जो कि सिर्फ यहाँ पे आपका ये वाटर बॉडी में मंडप बना हुआ है। एज वी ऑल नो जयपुर इट इज़ द यू नो मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस ऑल्सो, सो कनेक्टिविटी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री इज़ बेस्ट, बहुत अच्छा है। हर जगह से फ्लाइट, ट्रेन कनेक्टिविटी अच्छा है। अगेन दिल्ली NCR वालों के लिए तो रोड ड्राइव है विच इज़ वेरी कन्वीनियंट, इट्स अराउंड 5 hours ड्राइव फ्रॉम दिल्ली। अब राजस्थली रिजॉर्ट, राजस्थली रिजॉर्ट भी एक बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है, और यहाँ की जो स्पेशलिटी है कि उसके रूम्स के साथ इसमें टेंट वाला जो है वो कॉन्सेप्ट लिया है इन लोगों ने, टेंट और लग्जरी टेंट्स का। और इसमें टोटल आपके 95 रूम्स हैं, रूम्स और टेंट्स मिला के। पूल साइड भी है, बैंक्वेट भी काफ़ी बड़ा है इनका, बैंक्वेट कनेक्टेड विद लॉन है, लॉन का आप देख ही सकते हो वीडियो में, बहुत बड़ा लॉन है इनका, और छोटा बैंक्वेट भी है और छोटा लॉन भी है इसमें। ये भी आपकी एक पैलेस प्रॉपर्टी है। ये इसका पूल साइड है जिसमें आप के नंबर ऑफ गेस्ट 200 to 250 तक भी हो सकते हैं। ये इसके बाद विजयरन पैलेस, इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ रूम्स 40 हैं जिसमें कि हम 120 गेस्ट तक अकोमोडेट कर सकते हैं। तो अगर हमारा गैदरिंग कम है कि 125 या 120 गेस्ट है तो हम इसको आप प्लान कर सकते हैं। ये भी आपका एक पैलेस प्रॉपर्टी आप देख रहे हो इसका, जो कि आप इसमें समझ सकते हो कि हाँ वो बना बहुत सुंदर से है इसमें, बट आपका नंबर ऑफ रूम्स ही थोड़ा लिमिटेड है इसके। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसमें आपका बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के रूम्स और कॉटेजेस मिलेंगे आपको, और सबके नाम भी उसी तरह दे रखे हैं, हवेली और महल, जिससे कि आपको वो फील आएगी हाँ आप राजस्थान में हो। इसमें नंबर ऑफ रूम्स कम है बट आपका जो बैंक्वेट और लॉन का है वो स्पेस अच्छा है। तो अगर आपका ऐसा है कि आप गेस्ट कहीं और भी स्टे करा सकते हैं या आपके वेडिंग में गेस्ट ज़्यादा हैं बाकी स्टे करने वाले कम है तो भी हम इसका प्लान कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं शिव विलास। शिव विलास बहुत सुंदर प्रॉपर्टी बनी हुई है ये, इसमें 125 रूम है, तो इसमें आप आराम से 250-300 गेस्ट तक आराम से आप लेके जा सकते हो। यहाँ पे बैंक्वेट इनका है जिसमें 250 से 300 गेस्ट अकोमोडेट हो जाते हैं, तो
थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइट भी होगा ये, क्योंकि आप नंबर ऑफ गेस्ट भी ज़्यादा यहाँ पे ले सकते हो। ये इसका एंट्रेंस है, लॉबी इसकी आप देख सकते हो, बहुत सुंदर लॉबी है इसका। इसका इंटीरियर बहुत अच्छे से करा हुआ है, ये पूरा आप ये मतलब एक प्योर पैलेस प्रॉपर्टी है आपका। इनका भी लॉन स्पेस बहुत बड़ा है इनके पास। यहाँ पे जितनी भी मैं प्रॉपर्टीज आपको दिखा रही हूँ, ये लॉन काफ़ी बड़े बड़े हैं, बैंक्वेट्स भी अच्छे हैं, मतलब बैंक्वेट्स में भी आप सब में 300 up to 400 गेस्ट कर सकते हो। पूल साइड आप देख सकते हो, इसमें भी आप एक इवेंट बहुत अच्छे से कर सकते हो, एक बड़ा इवेंट भी कर सकते हो यहाँ पे इवनिंग का। और अगर मैं जयपुर में वेडिंग की बजट की बात करूं, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बहुत मिनिमम बजट में वहाँ वेडिंग कर सकते हैं, वहाँ का मिनिमम बजट भी आपका 25 to 30 lakhs होगा। अगर आप एक जयपुर या राजस्थान उस डेस्टिनेशन का फील देना चाहते हैं अपनी वेडिंग में, मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जहाँ जो पैलेस हों या फिर जहाँ पे फोर्ट है या फिर ब्यूटीफुल सीन्स हैं, अगर आप ऐसा कुछ लेना चाह रहे हैं तो आपका 25-30 lakhs मिनिमम है। फिर आपका वही आपका नवंबर से फरवरी पीक सीज़न है, आप इनमें इस सीज़न में अगर प्लान कर रहे हैं तो आपका 30 से लेके फिर आप मान के चलिए 90 lakhs 1 crore तक, क्योंकि बजट का वहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। वहाँ पे लोग डेकोर भी बहुत लेविश ले रहे हैं, बहुत सारे डेकोरेटर्स अदर सिटीज़ से भी वहीं जाके उन्होंने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा लोग ले रहे हैं कि एक जैसे रॉयल या ग्रैंड वेडिंग का फील लेकर आते हैं, तो उसमें फिर डेकोर भी उस तरह से उतना ही फ्लोरल उतना ही टेंटिंग वर्क लेते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपका ज़रूरी नहीं है कि आप उतना खर्च करें डेकोरेशन में। आप देखते हैं फेयरमोंट बहुत सारी वेडिंग्स कर रहा है, जब से ये बनाया है उसमें बहुत अच्छी अच्छी वेडिंग्स हो रही हैं। ये फेयरमोंट की आप एंट्री देख सकते हो, एंट्री से ये ग्रैंड फील आ जाता है इसमें आपका। ये एंट्री है, यहाँ पे साइड में आपके नगाड़े वाले वो रहते हैं, वो आपके आप वैसे भी जाओगे तो वैसा ही कर रखा है उन लोगों ने। ये आपका एंट्रेंस के बाद जो इनका लॉबी एरिया वो आता है, एक ओपन एरिया है, ये भी अच्छे से डेकोरेट हो जाता है जब डेस्टिनेशन वेडिंग होती है तो बहुत सुंदर लगता है। ये मेन लॉबी है जहाँ पे आपके चेक इन वगैरह रहेगा। इसमें आपके नंबर ऑफ रूम्स काफ़ी हैं, इसमें 245 रूम्स हैं आपके, जिसमें आपके 7 to 8 स्वीट्स हैं, इंपीरियल स्वीट्स, जो कि काफ़ी बड़े रूम्स हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छा गैदरिंग वाली वेडिंग्स ही होती हैं, जिसमें बहुत नंबर ऑफ गेस्ट ज़्यादा हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इन पे इवेंट स्पेसेस भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अलग थोड़ा डिफरेंट तरह से बनी हुई है प्रॉपर्टी। इसके बाद आपका ये फेयरमोंट के पास ही आपका ली मेरिडियन है। ली मेरिडियन भी आपका जो इन्होंने अपना वेडिंग वेन्यू ये सब बना रखा है, ये भी आपका एक फोर्ट वाला फील देता है वहाँ पे, पैलेस वाला। इसमें आपके नंबर ऑफ रूम्स 126 हैं, फिर वही आपका मिक्स कैटेगरी के रूम्स हैं। बैंक्वेट काफ़ी बड़ा है इनका, पूल साइड भी बहुत सुंदर है, पूल साइड के पास इनका लॉन है, एक छोटा सा स्पेस है लॉन, ये भी बहुत सुंदर लगता है। फिर उसी के पास है आपका लीला पैलेस। लीला पैलेस भी आपकी बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है, थोड़ा नई प्रॉपर्टी है इसलिए और अच्छी लगती है देखने में भी। ये इसमें भी आपके एक स्प्रेड आउट प्रॉपर्टी है ये आपका, जिसमें काफ़ी विलाज और कॉटेजेस बने हुए हैं, 200 रूम्स हैं इसमें, 200 कॉटेज विलाज सब मिला के 200 हैं। आपके रूम के बाहर एक प्राइवेट स्पेस है, कोर्ट यार्ड काइंड ऑफ बना हुआ है, कई सारे विलाज के पास बना हुआ है, तो बहुत अच्छे से बना रखा है। यहाँ भी आपका वेडिंग का बजट काफ़ी ज़्यादा जाता है। बैंक्वेट भी बहुत बड़ा है उनका। फिर आपका एक ये एवरेज बजट में हम कैम्बे होटल देख सकते हैं। ये होटल कैम्बे ग्रैंड लॉबी, इसमें आपके 99 नंबर ऑफ रूम्स हैं।
और इसमें तीन बैंक्वेट हैं टोटल। सबसे बड़े बैंक्वेट में हम 300 गेस्ट एकोमोडेट कर सकते हैं। लॉन इनका बड़ा है, लॉन में अप टू 400 कर लेते हैं और पूल साइड भी 250 तक आराम से हो जाता है। ये एक आपका एवरेज बजट प्रॉपर्टी है, तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर इंदाना पैलेस, अगेन अ ब्यूटीफुल पैलेस प्रॉपर्टी। इसमें आपके नंबर ऑफ रूम्स 118 है, वो ही डिफरेंट कैटेगरीज के रूम्स हैं। इनका बैंक्वेट बड़ा है, बैंक्वेट में अप टू 500 गेस्ट हो सकते हैं और लॉन भी काफी बड़ा है। आप बैंक्वेट देख ही सकते हैं कि काफी सुंदर है और काफी बड़ा है। इंदाना पैलेस, इसके बाद आपका डबल ट्री हिल्टन। डबल ट्री हिल्टन इसमें भी आपके 151 के अराउंड रूम्स हैं, नंबर ऑफ रूम्स ज़्यादा हैं इसमें। इनका भी बैंक्वेट में 300 प्लस ही लेते हैं और लॉन भी काफ़ी बड़ा है। ये आपका मैं प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ जो उसी लोकेशन में आपकी कुकास रोड पे ही है, जो कि दिल्ली जयपुर हाईवे पे है। तो आप जब भी वहाँ पे विजिट करें तो आप ये सारी प्रॉपर्टीज एक बार देख सकते हैं, फिर अपने जो भी आपको सूट करता है वो शॉर्टलिस्ट करके। और मैं जितने भी वेन्यूज के बारे में बताती हूँ, चाहे वो आपका जयपुर हो या गोवा है या आपका ऋषिकेश है, जिम कॉर्बेट है, जो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आपका डेस्टिनेशन डिस्कस करी हुई हैं, उसमें मैं आपको सिर्फ वेन्यूज की डिटेल्स बताती हूँ या आपको वो वेन्यूज लेकर आती हूँ जहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रही हैं और वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं कोई फीडबैक दे रही हूँ कि हाँ ये वेन्यू बहुत अच्छा है, ये वेन्यू बहुत ख़राब है, क्योंकि वेडिंग में आपका बहुत मिक्स्ड फीडबैक होते हैं और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हाउ यू प्लान द थिंग्स। अगर आपकी प्लानिंग परफेक्ट है, आपने अच्छे से होमवर्क करा हुआ है, सारी डिटेलिंग बहुत प्रॉपर करी हुई है, तो आप एक बजट प्रॉपर्टी में भी बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छा वेडिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अगर आपकी प्लानिंग में कुछ प्रॉब्लम है या आपने बहुत होमवर्क नहीं कराया, बहुत रैंडम या चीज़ों को बहुत कैजुअली ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आप 5-स्टार प्रॉपर्टी बुक करके भी कुछ आपको इनकन्वीनियंस हो और आप उतने अच्छे से वहाँ पे इंजॉय ना कर पाएँ। इसलिए आप कोई भी वेन्यू लीजिए, कोई भी डेस्टिनेशन लीजिए, अ परफेक्ट प्लानिंग इज़ मस्ट, जो कि मैंने अपने और भी वीडियोस में बताया है कि अगर आप कोई प्लानर लेके चल रहे हैं इट्स वेल एंड गुड, अगर आप नहीं भी लेके चल रहे हैं तो आपको अपने आप किस तरह से प्लानिंग करनी है वो मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, हाउ टू प्लान अ परफेक्ट वेडिंग स्टेप बाय स्टेप गाइड, हाउ वेडिंग प्लानर्स वर्क, इन सब में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको बहुत हेल्प करेंगी अगर आप अपने आप अपनी वेडिंग प्लान कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल, वीडियोज़ लाइक ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा, तभी जब नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।